हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। दोस्तों, आज मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। ये बहुत तरीके के DIY बना रही हूँ मैं जेट प्लांट से, छोटी छोटी कटिंग से। फ्रेंड्स, तो आप देखें किस तरह से मैं छोटी छोटी कटिंगों से अपने गार्डन को सजाती हूँ और गार्डन को हरा भरा रखती हूँ। फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ अंत तक देखें और बने रहें कि मैं कैसे बनाती हूँ, और फिर फुल इन्जॉय करें फ्रेंड्स, और पूरा वीडियो वॉच करें फ्रेंड्स, तभी समझ में आएगा। क्योंकि छोटी छोटी जब कटिंगों को लेकर के लगाते हैं तो फ्रेंड्स कैसे लगाते हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे मैं कटिंग लगा रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, उसको ध्यान दीजिए। कैसे मैं वाटरिंग करूँगी,
फ्रेंड्स, ये चुन्नी को लपेट करके मैंने कैसे बॉल बनाई। बॉल बनाने के बाद में आप देखिए कि कैसे मैं ये बोनसाई बॉल शेप दे रही हूँ, जो बहुत सुंदर सी डिज़ाइन किसी समय बनकर के तैयार होगी। और कुछ समय समय पर इसकी पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत अच्छा बॉल शेप आता है। हर 15 दिन में इसकी पिंचिंग करते रहें। जब फ्रेंड्स मैं करूँगी तब भी मैं दिखाऊँगी कि कैसे मैं पिंचिंग करती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा और किस तरह से मैंने ये छोटी छोटी DIY बना करके तैयार किया है। तैयार करने के बाद में फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे तरह तरह के गार्डनिंग में भरें
और जो है ये जब भी ट्रांसफ़र करूँगी प्लांट्स को मुसंडा को, तब भी मैं लगाऊँगी मुसंडा के साथ में। कितनी सुंदर सी गार्डन मेरा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और आप लोग भी अपना ख्याल रखें, आप ऐसे है गार्डनिंग करते रहें, नेचर से जुड़ करके रहें फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।